अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आए हुए हैं TDCP। यहाँ पे आज रिजवान अख्तर रहमान साहब ने हमें ट्रीट देनी है क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आ गया, जिसकी ऊपर जो है वो हमें ट्रीट दे रहे हैं। तो मेरे साथ हैं आज लाडू रानी। हाय लाडू रानी। हाय, कैसे हैं सब? तो लाडू रानी आज आप कहाँ आई हुई हैं? TDCP, जहाँ पे अक्सर हम आते थे कचहरी से चाय और पकौड़े खाने के लिए। तो आज भी हम चाय पकौड़े खाने? नहीं नहीं, आज तो यार हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमारे सीनियर हैं सर, उनका माशाल्लाह से सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आ चुका है और इस वजह से आज हम सब इसको सेलिब्रेट करने आए हैं इंशाल्लाह। तो चलिए देखते हैं। नमाज पढ़ने गया हुआ है तो ये हमारे सीनियर आ चुके हैं और हमें जो है ना ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि तुम लोग किधर वीडियो बनाने में लग गए और ये वापस आओ। तो अब हम जा रहे हैं, सो आपको बाकी से भी मिलवाते। हेलो वैस, क्या हाल है? तो अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है। क्या साहब कैसे हैं आप? अवैस क्या हाल है? सर आप ठीक हैं? तो वो नमाज ये है ना? तो क्या साहब आज आप कहाँ आए हुए हैं? हम इस टाइम के पहाड़ों के दरमियान में बैठे हुए हैं। तो कोई खास मकसद है आज आने का? आपने इनवाइट किया था माँ? वाओ, इनविटेशन किस मकसद के लिए आज? ये तो आप बताएं किस मकसद के लिए आपने इनवाइट किया है? आपको मकसद पसंद पता नहीं और आप ऐसे आ गए? नहीं वो भाई जान, हमने भाई आगे देखने की जगह बनती है। तब कहते फिर जब मैं नेक्स्ट, क्योंकि अभी मैं टॉनिक शॉप क्लास के लाल वो मैं स्किप करा रही हूं अभी, क्योंकि मैंने जिम स्टार्ट। सही बात है, आज मैंने गुलबर्ग में सो हमारे हुए TDCP पे और यहाँ पे रिजवान अख्तर रहमान साहब की आज उनकी तरफ से ट्रीट है क्योंकि उनका सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आया है, जिसकी वजह से उन्होंने हमें आज ट्रीट पे बुलाया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आज एंजॉय करेंगे और आपको साथ रखेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अब ऐसा आप अपनी बेटी को मिस कर रहे हैं तो आप अपनी बेटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैडम ताकि वो बहुत अच्छी डॉक्टर बने। आमीन आमीन। सर रिजवान का सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आया है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वेरी मोस्ट कॉम्पिटेंट और बहुत अच्छे एज अ पर्सनेशन इज अ वेरी गुड मैन और बहुत ही टैलेंटेड और बींग अ सीनियर बहुत अच्छे इंसान हैं और अपने जूनियर्स के साथ, पुलिस के साथ, सब के साथ इनका कैमरा अच्छा कमेंटेटर है और बहुत अच्छे क्या नहीं साहब। मैडम क्या है जी, क्या क्या कहना है, बोलो क्या कर रही हैं लग गई हैं? मैं पट्टी का जरा डिस्क्लोज कर दूं कि इंटर लेने के लिए घर से अब्बा जी ने भेजा था इंटर लेने के लिए। अच्छा। पट्टे पे पैसे घर से अब्बा जी से ले आया, 70,000 ईंट के पैसे ले आया और हम उसको इधर ले आए। रास्ते में इसका बैग जो है वो किसी जगह पे गिर गया, अब ये सोच रहा है घर जाऊंगा तब मारेगा, तो लिहाजा इसके कोई वकालतनामा साइन करें। अतीक के बारे में आप क्या कहते हैं? वो बेचारा रबिया गुंडों में फंस गया, नाम की फंसी हुई है, दुबो की फंसी हुई है, उधर से खट्टर साहब और वो अमीर साहब के जो मैसेजेस आ रहे हैं अतीक साहब के बारे में, आई कांट एक्सप्लेन के वो क्या कौन कौन आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे। क्या हुआ, क्या सारी चीजें आए? वैसे ये है रिजवान अख्तर रहमान साहब जिनके लाइसेंस की खुशी में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, तो अभी मैं इनका इंटरव्यू आपको थोड़ी देर तक दिखाऊंगी। क्या कहते हैं पटेल साहब का? मैंने कहा मैं बताता हूँ आपको, व्हाट इज दिस? चल 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 डालो रेजी।
सर आप देन हाथ सर मैं तो जा रहा था उन्होंने मुझे कॉल किया फाइनल प्रोग्राम नहीं है जल्दी यहां की मुझे भी मेरे से भी की बात है चलो कहते हैं मुर्गा आ जाओ मैंने कहा ठीक है मैं मुर्गा के लिए निकला हूं ठीक लोच मिल गया कॉम्प्लेक्स बहुत शुक्रिया हां जी ओके आपको सबको देखना तुम्हें पहले अलर्ट कर दिया करें आपका मुँह हर जगह खुला होता है इसलिए मुझे पहले बता दिया सो व्यूअर्स ये है हमारे सीनियर रिजवान अख्तर अवान साहब जिनका सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस आया और इन्होंने हमें आज इसकी शानदार सी ट्रीट दी है तो सर आप क्या कहेंगे आज की ट्रीट के हवाले से जो आप आज आपने हम सब बच्चों को बुला के और ये ट्रीट दी है बच्चों ने आपसे जबरदस्ती ट्रीट ली है पाकिस्तान भी होती है आप लोगों ने कहा कि हमें चाहिए थैंक यू सो मच सर ये बहुत डिलीशियस स्ट्रीट थी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अभी आप लोग अपने अपने लीला बना रहे अच्छा सर ये बताएं कि आप नेक्स्ट ट्रीट कब दे रहे और इसके बाद हम मैम कुछ खिला रहे हैं उन्होंने क्या क्या मतलब हमें अभी आप जो तुम पी रही हो अभी तो पी रही हो ये पी रही चाय या कॉफी में ग्लोरिया जी हम काफी तो मिलती नहीं है काफी काफी यहाँ के ट्रेडिशनल काफी पीने के लिए बहुत पार्टी में अभी खाना खा नहीं चल रहा था खाने काफी कुछ कहती हूँ हाँ जस्ट पूछते हैं रास्ते में अगर चाय पीना है यहाँ पीनी है ठीक हो गया इसका मतलब अभी हम रास्ते में भी रुकेंगे ओके अभी हम रास्ते में कहीं रुकते हैं चाय शाय पीते हैं और जो है वो फिर हमने खाना चाना खा लिया है तो अभी हम फोटो शूट वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है ना निकलेंगे यहाँ से तो यहाँ पे अफशी भी अपना व्लॉग बना रही हैं और सर से इंटरव्यू ले रही हैं तो सर कह रहे हैं तुम लोगों ने ज़बरदस्ती मुझसे ट्रीट लिया है पीछे आगे क्या नहीं साहब तो हम अक्सर ही सर से जो है ना ज़बरदस्ती ट्रीट ले ही लेते हैं तो अब जूनियर्स का यही काम होता है कि सीनियर्स को तंग करें और हम अक्सर सर को तंग करते रहते हैं लेकिन सर इतने नाइस हैं कि इन्होंने कभी भी जो है वो इरीटेट नहीं हुए और कभी गुस्सा नहीं किया और हमारी छोटी छोटी जो है ना वो शरारतें जो है वो बर्दाश्त करते रहते तो ये इनका बड़ा पन है और ये है राजा सुहेल अवैध भट्टी इमरान क्यानी साहब और अतीक बना अच्छा हाँ रोकने पहले नीचे देखो
थोड़ा इसके आगे करें ना, देखिए आगे हिल ही मैं अभी चल रही है पकड़ा हुआ है तुम रुको ओ सर आप चल दीजिए मैं नहीं लड़ना सर मेरा फोन पकड़े आप भी भाई 1 2 3 दो बंद कर ये अपशी को घोड़सवार का दिल चाह रहा था और उसने घोड़सवारी कर ली है। अभी वो बैठ के गई है वहां से, नीचे से चक्कर लगा के आएगी और फिर हम दिखाते हैं। ये अब उतरना इसके लिए एक बड़ा मसला हो गया है। तो ये फाइनली जो है वो राइड इनकी कंप्लीट हो गई है, जो है हम निकलते हैं। बस का टाइम पूरा हो गया जी। तो विवेक हमारा जो है अपशी की घोड़सवारी कंप्लीट हो गई है और हम आगे बैठ गए। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं आगे अगर हम कहीं रुके तो मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो हम घर जाएंगे। तो व्यूअर्स हम आए हैं न्यू आबशार रेस्टोरेंट पे 40। तो अभी हमारा मूड है कि हम वो ऊपर जाएंगे और हम चाय वगैरह जो हमारा मूड होगा वो पियेंगे। शी भी बाहर आ गई है तो अभी हम ऊपर जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं ऊपर से मंजर क्या है। जी तो व्यूअर्स हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। ये हमारा जो है वो रेस्ट एरिया टाइप है, यहाँ से हम चाय पियेंगे और उसके बाद फिर हम वापस घर को जाएंगे। ये पीछे अपशी हैं जो अपना फोटो शूट करवा रही हैं और पीछे जो है वो सारे चैम्बर वाले बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और आपको मैंने ओवरऑल व्यू जो है वो दिखा दिया है कि कैसा खूबसूरत हसीन जो है वो व्यू है। ये देखिए आप ज़रा कितना खूबसूरत है। इस ग्रीनरी को देखने के लिए आपको पता है कि हम लोग आते हैं और
जितनी आप नेचर के करीब रहते हैं उतना ही आपको सुकून मिलता है, तो हम इसी सुकून की तलाश में जो है वो आते हैं। खैर अभी तो हमने ज़बरदस्ती जो है वो अपने सीनियर से जो है वो ट्रीट ली है, जो हमें अक्सर ही करते रहते हैं और अक्सर हम उनसे जो है वो ज़बरदस्ती ट्रीट ले लेते हैं, और बेचारे अच्छे हैं कि कुछ कहते नहीं हैं हमें। हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हम पे कभी गुस्सा नहीं किया, कभी हमने उनको गुस्से में नहीं देखा और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं और सबके साथ। आज उन्होंने हमें जो ट्रीट दी थी वो ट्रीट हमारी हो चुकी है, अभी ये हम चाय पीने वाले हैं और चाय पीने के बाद हम घर को जाएंगे। तो आपने हमारे साथ एंजॉय किया होगा, होप्स हो के आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि मेरी वीडियो तो होती ही अच्छी है और आप हमेशा जो है उसको एंजॉय करते हैं। तो अभी हम वापस जाएंगे और फिर आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे जब हम वापस जाएंगे। तो व्यूअर्स हमारी चाय आ गई है, ये हमारी चाय लेकर आ गए हैं, तो अब हम चाय पियेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम घर जाएंगे। तो अभी मैं आपको चाय भी दिखाती हूँ यहाँ की। ये है चाय, ये सब पियेंगे, मैं नहीं पीऊंगी क्योंकि मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ। कैसी चाय है ये किसकी? अच्छा मैडम ये इलायची वाली चाय है, ये गुड़ वाली चाय है, ये चीनी वाली चाय है, ये बगैर चीनी की है, इसमें नमक पड़ा हुआ है और ये दो स्पेशल चाय है। चल झूठे एक जैसी चाय है? एक जैसी नहीं है, ये स्पेशल चाय है, ये मरी की स्पेशल चाय है, इसको खास करके आप आई हैं तो आपके लिए बनाई है। देखे जरा बना रहे हैं। अच्छा इलायची और गुड़ वाली में भी चीनी डाली जा रही है, वाह। नहीं वो ताकि जरा उसका टेस्ट लगा। ये शक्कर वाली है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ये दो चीनी वाली है और ये नमक वाली और बगैर चीनी के। नहीं नहीं कहानी साहब नहीं, गुड़ वाली है। कौन से पूछा जरा कितने भाई? दो चमचे पान है यार, दो चमचे डाल रही है। दो जरा तू नहीं मैनेजर बन, आप ना इसके बीच में चाय डाल दे, चीनी में चाय डाल दे, सब डाल दूंगा उसी में। डाले ना, मैंने कौन सी पीनी है। ये देखा इन्होंने तीन चम्मच जो है वो शुगर डाली है इसके अंदर, चम्मच और एक आधी चम्मच। आप चाय पिए और बताएं चाय कैसी है यहाँ की? हाँ बहुत गंदी चाय है, अगर आप मरी आया तो कभी भी इधर से ना पिए, ठीक है ना? ये मेरे ख्याल में दूध पता लेकर आए हैं, इसका कोई जायका नहीं है, लेकिन पीनी पड़ेगी। क्या पीनी पड़ेगी? मौसम अच्छा यार, खाली टोपा मरी एक्सप्रेस रेलवे सॉरी से पहले आई है। न्यू आबशार रेस्टोरेंट है इसका नाम। उन्होंने बोला चाय यही है लेकिन वो पीती नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ। चाय कैसी है? बहुत बेकार चाय है। नॉट गुड, नॉट गुड। ओह माय गॉड, पी कैसे रहे हैं आप लोग? हमारी चाय गुजारा कर लो, पीना लाजमी है। बताएं आप चाय पीती नहीं है तो आपने ऐसा बोला क्यों? कैसा आपने अपने 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 लिए कहवा क्यों नहीं मंगवाया? क्योंकि मैंने मुझे तलब नहीं हो रही कहवे की। तलब होती है ऑफ कोर्स, जैसे आपको टी की तलब होती है। मैडम ये जो अगर दूध सही होता ना, हाँ चाय अच्छी है, तो सारी बात ही इस मिल्क की है जो इसमें है, इसकी वजह से ना थोड़ा सा स्मेल स्मेल ही आती है। ओह माय गॉड, फिर पी कैसे रहे हैं आप लोग? मुझे समझ नहीं आती, आप लोगों को चाय पसंद नहीं आती तो आप पीते कैसे हैं? असल में बेसिकली ये जो चाय बनाई है मेरे ख्याल में उन्होंने वो बनाई है लकड़ी के, लकड़ी के ऊपर तो पकी हुई चाय अच्छी नहीं होती। गुजारा गुजारा है, ओके मैडम। देखें ये चाय अच्छी नहीं है, पौधों को ये पानी देने देते नहीं है, चाय के इसमें थोड़ा सा। ओह माय गॉड, क्या नहीं साहब, सर क्यानी ने जो है ना इसको पानी दे दिया, चाय पिला दिया पौधे को। ओफ अल्लाह क्यानी साहब, चाय हो गई है ना इसके बाद। तो अब शी चाय कैसी है?
मजे किए। सिर्फ एक तुम वाहिद लड़की हो यहाँ पे जिसको चाय पसंद आई है, वरना सबने कहा कि बेकार चाय। नहीं, मेरे को वो टेस्ट नहीं आया, मेरे को वो टेस्ट नहीं आया। वो अक्सर एक ढाबे की हम चाय पीते थे, मरीज जब आते थे रस्ते में गुजरते थे, वहाँ की ज्यादा नहीं, लेकिन सर एक सही ना, मरी हम अक्सर आते थे, ठीक है आप आ जाएंगे इधर जरा, तो वो एक हम ढाबा था याद करें, वहाँ से हम चाय पीते थे, तो वो कहाँ है, क्योंकि उसकी चाय मजे की थी। वो चाय इधर नहीं, वो चाय थी वो तो जो छला पानी साइड पे नहीं, वो दूसरे। हाँ, अब हमारा व्लॉग यहीं तक हम एंड करते हैं और अब हम जा रहे हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारी लाइव वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर लेकर आएंगे, और लाडो राधी तो आपको मेरी वीडियोज में मिलती ही रहेंगी। तो अब हम जा रहे हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय अफशी, बाय बाय।